हरे कृष्णा दोस्तों, क्या आपको पता है कि एसएससी जीडी का मेडिकल कैसे होता है, या फिर कोई भी अगर आप फौज में जा रहे हो तो उसका मेडिकल कैसे होता है, आखिर किन किन चीज़ों को देखा जाता है, किन चीज़ों में अगर आपका पास पॉइंट अगर आपका पॉइंट हो तो वहाँ पर आपको वहाँ माफ़ नहीं किया जाता, वहाँ पर आपको आगे नहीं भेजा जाता, वहाँ डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया जाता है। आखिर मेडिकल में ऐसे क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या बॉडी में ऐसे पार्ट्स होते हैं, कौन से हिस्से होते हैं, किसको किस माप के हिसाब से देखा जाता है, क्या जाँच किया जाता है, कि लड़के मेडिकल से भी कितना डरते हैं, घबराते हैं, वो मेडिकल में जाने के समय उनका बीपी ब्लड प्रेशर जो है बढ़ जाता है, कभी किसी का घट जाता है, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम देखने को मिलती है मेडिकल के टाइम में। तो आज हम बात करेंगे कि एसएससी जीडी का जो मेडिकल है वो किस प्रकार से होता है और क्या क्या चेक किया जाता है, इसमें एक नॉर्मल ओवरव्यू की तरफ आपको बात करेंगे, आप लोग क्या करना चाहिए, क्या क्या चेक होता है, इसमें इन सब के बारे में आपको जानकारी मिल जाए कि हाँ मुझे क्या क्या ठीक रखना चाहिए, रखना होगा मेडिकल के टाइम में। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि ऊपर से सिर से बात करेंगे कि सिर से आपका मेडिकल टेस्ट में क्या क्या चेक किया जाता है। सबसे पहले अगर सिर के बारे में बात किया जाए तो सबसे पहले आपको देखा जाता है, सबसे मेन हिस्सा होता है आँख। आपका जो आँख होता है वो 6x6 होना चाहिए, 6x6 होना होगा तब जाकर आप आँख में पास हो गए, ठीक है। आँख नहीं तो अदरवाइज आपका 6x6 नहीं होगा, 6x9 भी चलता है लेकिन सब में नहीं चलता, 6x6 मैक्सिमम आपका रिक्वायरमेंट है, वहाँ होना चाहिए। देन आपका आई डिस्टेंस, कलर विजन मतलब आपको रंगों की पहचान करनी आनी चाहिए, कौन सा कलर कौन सा है, ग्रीन कौन है, रेड कौन है, ब्लू कौन है, वाइट कौन है, इन सब चीज़ों का कलर का आपके पास पहचान होनी चाहिए, जिसको कहते हैं कलर विजन। ये टेस्ट होते हैं। देन आपके पास आपका फिर चेक किया जाता है, तो उसके बाद आपका चेक किया जाता है ईयर, कानों को। कानों में आपका वैक्स नहीं होना चाहिए, कानों में वैक्स का मतलब होता है गंदगी नहीं होनी चाहिए कानों में, और कान का जो पर्दा होता है वो आपका फटा नहीं होना चाहिए, छेद नहीं होनी चाहिए उसमें, ये हुआ। देन आपका पता है नाक, नाक में आपका DNS, डेविएटेड नेसल सेप्टम, ये जो नाक होता है ये, नोज़ आपका सीधा होना चाहिए, कहीं भी नोज़ में हमसे ऐसा तीछापन होता है, हल्का माइल्ड डेविएशन होता है, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये तीन चीज़ें आपका दांत, चौथा में आता है दांत, दांतों में आपका 22 टोटल 22 पॉइंट होते हैं जिसमें से 18 आपके पास पॉइंट होने चाहिए, ठीक है, और दांतों में आपको 32 दांत होने चाहिए टोटल 22 पॉइंट में से आपके पास अगर 18 पॉइंट है तो आप दांतों का जो मेडिकल है उसमें क्लियर हो। दांतों का मेडिकल में अगर डिटेल में चाहिए होगा तो इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था, आप लोग उसको जाकर देख सकते हो। उसके बाद जो नीचे में आता है तो गर्दन तो आपका ठीक है, शोल्डर जो होता है इवन अनइवन नहीं होना चाहिए, मतलब इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए, किसी का शोल्डर जो है थोड़ा सा ऊपर होता है, किसी का नीचे होता है, किसी का लेफ्ट वाला ऊपर होगा तो राइट वाला नीचे होगा, जिसको कहते हैं शोल्डर इम्बैलेंस, ये भी नहीं होना चाहिए। देन आपका हाथों में एंगल भी नहीं होना चाहिए, हाथ आपका जैसे कभी टूटा हुआ ना हो तो ज़्यादा बेहतर है, अगर टूटा हुआ भी हो तो सही टाइम पर अगर सही तरीके से जुड़ गया हो तो आपका एंगल नहीं होता है, वहाँ पर ज़्यादा एंगल नहीं मिलेगा आपका, ये हुआ। उसके बाद कोई भी आपका उंगली में आपकी जो उंगलियाँ होती है वो उंगलियाँ सही होनी चाहिए, अगर बाई बर्थ अगर कुछ है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ आपका फिजिकली अगर कुछ हो गया हो तो फिर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, वहाँ पर दिखाना पड़ेगा आपको, ये हुआ। देन आपका आता है फिर आपका कमर के साइड में आपका जो है, कमर के साइड में भी कहीं भी कोई चोट, कोई गहरी चोट या फिर कोई भी रॉड, कोई भी फ्रैक्चर हुआ हो, अगर आपने रॉड लगाया तो वैसा कुछ नहीं होना चाहिए। देन आपका फिर मेडिकल में फिर वहाँ पर भी फिर आपको प्रॉब्लम होता है, वहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। देन आप लोग आइए फिर आपको पैरों में सबसे पहले नीचे चलते हैं तो फ्लैट फुट सबसे मेजर प्रॉब्लम है, फ्लैट फुट भी बहुत सारे लड़कों को, बहुत सारी लड़कियों को होता है, तो फ्लैट फुट नहीं होनी चाहिए। फ्लैट फुट के बाद आपका नी एंगल, बो एंगल या फिर नॉकनी, बो एंगल और नॉकनी भी नहीं होनी चाहिए। नॉकनी का मतलब हुआ घुटना आपस में सब जाता है, और बो एंगल का मतलब हुआ घुटना जो है आपस में फाँक हो, ज़्यादा उसमें गैप हो जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग बो एंगल, जिसको मेडिकल के भाषा में बो एंगल कहा जाता है, तो वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी मेजर पॉइंट्स हैं, मेजर चीज़ें हैं जो कि आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को अपना अगर सेहत अगर बढ़िया रखिएगा, अपना मेडिकली अगर फिट हो गए, डॉक्टर साहब को दिखा सकते हैं घर पे भी, तो आप मेडिकली अपना पूरा फिट रहोगे। और भी अगर कुछ मेडिकल से रिलेटेड किसी भी पॉइंट से रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट होगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा उसमें वीडियो बनाने के लिए। और अपने ये वीडियो जो है अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए यार, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, क्योंकि देखो यार मैं भी जॉब करता हूँ, काम करता हूँ, और यहाँ काम से अपना टाइम निकाल के वीडियो बनाना बहुत मुश्किल होता है। सभी यहाँ पर देखिए दोपहर में भी रेस्ट करने का टाइम होता है, लेकिन मैं इस टाइम में वीडियो बनाता हूँ, तो नींद चैन को त्याग कर, नींद को छोड़कर मैं वीडियो बनाता हूँ, कोशिश कीजिए अगर वीडियो को अच्छा लगे, ठीक है। थोड़ी वीडियो क्वालिटी में प्रॉब्लम होती है क्योंकि यार देखो एक जगह स्टेबल नहीं रहता है, कोई फ़ोन भी मैंने हाथ से ही पकड़ा हुआ है तो जिस कारण से वीडियो भी थोड़ा हिल जाता है, इसलिए सॉरी उसके लिए, ठीक है। और लेकिन वीडियो में अगर आपको अच्छी जानकारी मिल रही होगी तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं कल किसी और टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।